वैसे तो हर त्योहार का अपना एक रंग होता है जिसे आनंद उल्लास कहते हैं, लेकिन हरे, पीले, लाल, गुलाबी आदि असल रंगों का भी एक त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। होली भारत का प्रमुख त्योहार है। होली जहां एक ओर सामाजिक एवं धार्मिक त्योहार है, वहीं रंगों का भी त्योहार है। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी इसे उत्साह से मनाते हैं। इसमें जाति वर्ण भेद का कोई स्थान नहीं होता। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय लोगों का त्योहार है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहे जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। फाल्गुन महीने में रंगों का त्योहार यानी होली, जिसे पूरा देश धूमधाम से मनाता है। इस दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। खास तौर पर घर में व्यंजन भी बनाए जाते हैं। एक दिन पहले होली का दहन होता है, मतलब होली जलाई जाती है, जिसके बाद दूसरे दिन हवा में अबीर और गुलाल नजर आते हैं। इस त्योहार में रंगों के जरिए संस्कृति के रंग में रंगकर सभी भिन्नताओं को मिटा दिया जाता है। होली के शुभ पर्व पर जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों को शुभकामनाएं देते इको फ्रेंडली होली मनाने सतर्कता का संदेश प्रदान किया। होली का त्यौहार सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और खास करके पहले दिन होलिका का दहन करके जितनी भी बुराइयां हैं उसका विनाश हो, ये कामना सभी लोग करते हैं। और दूसरे दिन रंगपंचमी को अनेक रंगों के साथ ये होली भारतवर्ष में और भारतवर्ष की जनता में एक नई उमंग पैदा करती है। आने वाला होली का उत्सव देश में बढ़ती हुई महंगाई, किसानों की आत्महत्या और खास करके अभी ईवीएम मशीन ने जो केसरिया रंग बिखरा है 11 तारीख को, और ये रंग आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ईवीएम मशीन कोई कमाल न बताए, इसलिए इस होली के अवसर पर हम लोगों ने मांग की है, इलेक्शन कमीशन से भी मांग की है कि चंद्रपुर में ईवीएम मशीन नहीं बल्कि बैलेट पेपर का उपयोग किया जाए, क्योंकि ये ईवीएम मशीन इसने जिला परिषद में, नगर परिषद में और महानगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरा केसरिया रंग बरसाया है, लेकिन होली के माध्यम से हमें सिर्फ केसरिया रंग नहीं बाकी रंगों को भी सामने रखकर सबके दिल में एक अच्छा वातावरण तैयार करना है। और ये होली इस देश का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, इस देश की लोकशाही को मजबूत करने के लिए मशीनों को हटाकर पुरानी बैलेट पद्धति को सामने लाए और जनता के दिल में जो सही उनकी कामना होती है, उनकी इच्छा होती है, वही उम्मीदवार होली के रंग में आने वाले महानगर पालिकाओं में चुन के आए, ताकि पिछले 2.5 साल में जो चंद्रपुर शहर की जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में और अन्य टैक्सों के रूप में जो एक बर्बरता का एक जुल्मी टैक्स लगाया है, उसको भी ये होली के उत्सव में हमें उसका भी नाश करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि यह होली ये चंद्रपुर शहर के लिए और चंद्रपुर महानगर पालिका के लिए अनेक रंगों को बिखेर के जनता को, इस शहर में रहने वाली जनता को सुकून दे, एक आनंद दे, और जिनकी जो क्षमता है और जो सरकारी नियम है उसके अनुसार ही उन पे बोझा लादा जाए। और हम उम्मीद करते हैं, और खास करके मैं युवा पीढ़ी से भी अपील करूंगा कि होली का उत्सव मनाते समय अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, ऐसे रंगों को मुंह पे लगाकर या किसी के आंख में नहीं जाए, इसका भी उन्होंने प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और ये होली एक अच्छे वातावरण में
ये चंद्रपुर शहर हमारे सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेकर हम लोग होली मनाते हैं। ये होली के उत्सव में मैं चंद्रपुर शहर की जनता को बधाई देता हूँ, जिले की जनता को बधाई देता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय ये होली के बाद जनता के दिल में, किसानों के दिल में, मजदूरों के दिल में एक अच्छा रंग बिखेरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी भाई और बहनों के लिए मैं होली की शुभकामना देता हूँ। होली का त्यौहार हमारे भारत देश में अनादिकाल से मनाया जाता है और बड़े उत्साह के साथ में लोग होली खेलते हैं, रंग उड़ाकर अपने साल में एक बार सभी मित्र परिवारों के साथ में मिलना और खेलना, जिसमें उम्र का कोई सीमा नहीं होती है। बच्चों के साथ में बूढ़े लोग भी खेलते हैं और इसे पारिवारिक सामाजिक इस त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम सब मनाते हैं और समाज के सभी धर्म के सभी मजहब के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए मैं सभी धर्म मजहब के लोगों को आज होली की शुभकामना देता हूँ और साथ में ही अपेक्षा करता हूँ सारे युवाओं से कि शांति से इस त्यौहार को मनाया जाए। इस रंग खेलने वाली होली को कहीं भंग ना हो, इसलिए सभी लोग बिना किसी झगड़े फिसाद से और कहीं गलत काम ना हो इसकी ध्यान रखते हुए होली का त्यौहार मनाएंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ। सभी को मैं होली की शुभकामना देता हूँ। चंद्रपुर जिल्ह्यातील जनतेगा होगी व रंग पंचमी च्या अंतकरणापासून शुभकामना। होगीचा रंग आपले आयुष्यामध्ये आनंद घेऊन येऊ। खरं तर सर्व जाती धर्माला एकत्र करत विविध रंगाचा हा देश आहे। आपण सुद्धा या होळीच्या निमित्ताने संकल्प करूया, जात कोणतीही असेल, रंग कोणताही असेल, पण त्याच्यामध्ये आमच्या एकता होळीच्या शुभकामना। चंद्रपूर शहरातील आणि जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना चंद्रपूर जिल्हा पोलीस विभागाच्या वतीने होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। होळीसाठी आपण विशेष प्रबंध केलेले आहेत, प्रतिबंधक कारवाया मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, तडीपारीच्या कारवाई आदेश निघत आहेत, माननीय न्यायालयाच्या परवानगीने 153 प्रमाणे गुंडा एलिमेंट्स आहेत आणि दारू विक्रेते यांना जेलमध्ये रवानगी झालेली आहे। कालच आपल्याला नवं ऑर्डर मिळालं आहे, हा सुद्धा काही आदेश प्राप्त होतील आहे। मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधक कारवाया, दारूच्या रेड्स आणि इतर कारवाया अशा पद्धतीनं पोलिसांनी प्रिपरेशन सुरू केलेले आहे। होळीसाठी SRPFची एक कंपनी आहे, होमगार्ड्स आहेत आणि जिल्हा पोलीसचे 3000 जवान आणि 170 पेक्षा जास्त अधिकारी असा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त लावलेला आहे। माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे, होळी इको फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली कलर्स वापरावे, हर्बल कलर्स वापरावे, ज्याच्यामुळे रंगामुळे त्वचेचं डोळ्याचं नुकसान होईल असा कुठलाही रंग वापरू नये, त्याच्याशिवाय रंगाशिवाय इतर कुठल्याही वस्तू वापरू नयेत। चंद्रपूर जिल्हा हा दारूबंदीचा जिल्हा आहे, कुठल्याही प्रकारची नशा करू नये। होळीच्या निमित्तानं नशा असं कुठलंही समीकरण नाही आहे, ते चुकीच्या समजुती आहेत। तर त्या अनुषंगानं एक चांगल्या वातावरणात धार्मिक पद्धतीने होळी खेळावी आणि होळीचा आनंद सर्वांनी लुटावा अशी मी सर्वांना आग्रहाची विनंती करत आहे, आवाहन करत आहे। आणि कुठलीही असा इन्सिडन्स किंवा कुठलीही घटना किंवा गुंडागर्दी किंवा दारू विक्री असं कुठलीही माहिती आपणास प्राप्त झाल्यास तत्काळ चंद्रपूर जिल्हा पोलिसाला कळवावे, त्याची तत्काळ दखल घेण्यात येईल। परत एकदा सर्वांना होळीच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। सर्व माझ्या चंद्रपूरकरांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। होळी येऊन राहिली, रंगपंचमी येऊन राहिली, आनंद इकडे तिकडे साजरा होऊन राहिला, पण या रंगपंचमीच्या दिवशी आपण आपल्याला कोणती काळजी घ्यायची आहे ही सर्वांनाच माहिती आहे, तरी पण मी सांगते ही रंगपंचमी इको फ्रेंडली खेळायची आहे। कोणतेही परमनंट कलरशी जो कलर आपल्याला स्किनला डॅमेज करू शकतो असा कोणत्याही कलरनी होळी खेळायची नाही आहे। सुक्या कलरनी होळी खेळायची आहे, पाण्याविरहित होळी खेळायची आहे, इको फ्रेंडली होळी खेळायची आहे। फक्त नॅचरल कलर आपल्याला वापरायचे आहे, त्यामुळे आपली स्किन, आपले डोळे, आपले हेअर हे चांगले राहतील आणि यानंतरच आपले आपली पाणी सुद्धा आपलं वाचेल। म्हणून होळी ही इको फ्रेंडली खेळायची आहे, पण आनंदाने प्रेमाने करायची आहे।